आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, अपना प्रश्न है आजकल शब्द है। अपने पास यहाँ पे विकल्प दे रखे हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, हिंदी में अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द का होता है जिनमें कोई विकार उत्पन्न ना हो। इन अविकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। उन चार भेदों में जो इनका पहला भेद होता है वो होता है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होती है? क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द। क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे अपने पास सबसे पहले है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है? इसमें क्रिया के होने के समय का पता लगता है। दूसरा अपने पास है परिणामवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया के होने की मात्रा पता चलती है कि क्रिया किस मात्रा में हो रही है, तो इसमें क्रिया के होने की मात्रा का पता चलता है। इसके बाद अपने पास है रीतिवाचक। जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, इसमें क्रिया के होने की विधि का पता चलता है कि किस विधि से क्रिया संपन्न हुई है। इसके बाद अपने पास है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है। देखिए, अब यहाँ पे जो अपने पास आजकल शब्द है यह किससे संबंधित है? यह कालवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित है। कालवाचक जो क्रिया विशेषण है उससे संबंधित है आजकल शब्द। तो यहाँ पे अपने प्रश्न का सही उत्तर भी विकल्प नंबर एक हो जाएगा। अन्य तीनों यहाँ से गलत हो जाएंगे। सही उत्तर अपना विकल्प नंबर एक हो जाएगा कि आजकल जो शब्द है वो कालवाचक क्रिया विशेषण से, समय से संबंधित है। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।